गई अभी ना, सबको सबक सिखाऊंगी मैं। क्या था वो? हाँ, दुनिया में ना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम हो, टूटी हुई पाइपलाइन से भी ज्यादा। अरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीएमसी कचरा उठा रही है। हट जा, हट जा, पुर्गी, चुप, प्लीज रह चुप। मैं तो सिर्फ तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। विल यू मैरी मी? प्लीज, तुम लोग क्यों ऐसे? छोड़ो मुझे तुम लोग, और ये पूरे कमरे की क्या हालत बना रखी है। वो बोले तो प्यार और हम बोले तो गुस्सा। वैसे दी, गुस्से होने का नाटक मत करा, मैं जानती हूँ तेरे मन में लड्डू फूट रहे, लड्डू। और नहीं तो क्या, शक्ल तो देखो इनकी, कैसे शर्म से लाल हो रही है। तुम लोग ये बकवास बंद करो, पहले पहले बताओ सुरेश को ये छाप किसने मिलाई? ये बड़ा कांड आपकी छोटी बहन के अलावा और कौन कर सकता है? बिल्कुल, क्या जरूरत है? अगर बुलबुल ने भैया को शराब नहीं पिलाई होती ना, तो वो आज भी आपकी बजाय आईने को ही प्रपोज कर रहे होते। दी, वो ना मुझे प्रज्ञा समझ बैठा और गलती से मेरा ही हाथ पकड़ लिया। मैं तो डरी गई थी दी, जैसे उसने मुझे रिंग और रोज दिया था वैसे कहीं प्रपोज ना कर ले बस। अगर ऐसा हो गया होता तो बहुत ही गड़बड़ हो जाती, साली घरवाली बन जाती। अच्छा अच्छा, अब सुरेश भैया ने दी को प्रपोज तो कर दिया है, मतलब आगे क्या? वो तो नशे के धुन में पड़ा हुआ है वहाँ पे। जा जा, उसे उठा दे जा। मैं कहीं नहीं जा रही। अच्छा, कहीं नहीं जा रही तो ठीक है, मैं चले जाती हूँ। अगर उसने फिर से मेरा हाथ पकड़ लिया तो मैं इस बार उसे मना नहीं करूंगी। चलेगा ना तुझे? बुलबुल, तुझे तो मैं भाग दे। शर्मा गई, यदि भी ना कभी नहीं सुधरेगी, कभी नहीं। नूर हो तुम मुझसे यूं ही दूर हो तुम, आफताबी नूर हो तुम मुझसे यूं ही।